जैन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्ण कुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, दो झो आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्य हैं, एक चला गया है दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसे जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को।